दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ब्रिज में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। मैं आपको गैस सिलेंडर के बारे में बता रहा हूँ कि ये लीकेज क्यों करता है। जैसे रेगुलेटर ऑन करने पर इसमें से बदबू आती है और सोसियाहट की आवाज़ भी आती है। इससे जाहिर सी बात है कि गैस लीकेज कर रहा है। इसको ऑन करने पर लीकेज कर रहा हो और बंद करने पर ठीक हो जा रहा हो, तो इसका प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको देखते हैं कि लीकेज कहाँ से कर रहा है रेगुलेटर ऑन करने पर। तो सबसे पहले रेगुलेटर को ऑफ करके रेगुलेटर को बाहर निकालेंगे। देखिए, रेगुलेटर को बाहर निकाल दिए। अब इसमें ध्यान से देखने पर ये ब्लैक कलर का वाशर दिखेगा। ये इसके अंदर इसके नेपुल है, उसके अंदर ब्लैक कलर का वाशर दिखेगा। यही वाशर कट जाने की वजह से गैस लीकेज करता है रेगुलेटर ऑन करने के बाद। तो सबसे पहले मैं इस वाशर को निकालूंगा। अब देखिए, बहुत सावधानी के साथ निकालना पड़ता है। इसके कोई भी पतली वाली चीज़, सुई हो या इस पतली वाली स्क्रू ड्राइवर हो, दोनों से निकाला जा सकता है। देखिए, पतली नोक वाली सुई या पतली वाली स्क्रू ड्राइवर से भी इसको निकाला जा सकता है। तो इसके निकालने के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रबड़ को निकालेंगे। इस सुई को अंदर हिस्से में लगाकर रबड़ को बाहरी हिस्से में खींचेंगे। इसे देखिए, ध्यान दीजिए। ये देखिए, रबड़ आ गई हाथ में। यही रबड़ कट गई है। ये रबड़ चारों तरफ से कट जाने की वजह से ये रेगुलेटर की जो पॉइंट होती है, ये रेगुलेटर की बीच वाली ये पॉइंट होती है, ये रबड़ में जाकर ये फंसती है। इसी रबड़ में जाकर ये फंसती है, इसीलिए इसको कट जाने की वजह से इसमें से गैस लीकेज लगता है करने। तो दोस्तों, ये रबड़ मार्केट में उपलब्ध है, मार्केट से भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास और एक दूसरी सिलेंडर है, मैं उसी में से निकाल कर इसको लगाऊंगा। ये खाली सिलेंडर है, इस रबड़ को मैं अलग रख देता हूँ। ये सिलेंडर बिल्कुल लीकेज नहीं कर रहा था और इसमें गैस नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो मैं इसका रबड़ निकाल कर देखिए, मैं स्क्रू ड्राइवर से भी इसको निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पतली वाली स्क्रू ड्राइवर से देखिए, इसका वाशर निकल गया। ये अब इस वाशर को ये भारी वाली सिलेंडर में लगाना है। देखिए दोस्तों, इसको लगाने से पहले इस वाशर को आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे ऐसे करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। दो बार में फोल्ड इसको कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, फिर एक बार ऐसे, मतलब गोल राउंड में बना दीजिए और इसको दबा कर। थोड़ा सा कठिन है लगाना, लेकिन लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको दबा कर यहाँ पे इसको जहाँ जिस जगह पे था उस जगह में डाल दीजिए। डालकर धीरे धीरे फैलेगा और इसको अंदर तक डालकर इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको दबा दीजिए। देखिए, अपने जगह पर जाकर बिल्कुल बैठ गया ये। और फिर इसको रेगुलेटर को इसमें लगाइए। रेगुलेटर को बढ़िया से बैठाइए इसमें। देखिए, रेगुलेटर लग गया। और फिर इसको गैस को खोलिए। अब इसमें रेगुलेटर ऑन कीजिए। देखिए, ऑन हो गया। अब ये बिल्कुल लीकेज नहीं कर रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल महक नहीं रहा है, ये बिल्कुल सही हो गया। देखिए दोस्तों, आप घर बैठे बैठे इसको अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर आपको गैस सिलेंडर लीकेज कर रहा हो, महक रहा हो, इसको आसानी के साथ आप इसको बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो आपको वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
संबंधित सारे वीडियो आप देखिए और कुछ सीखिए।